पाकिस्तान में बिजली की डिमांड गिर रही है क्योंकि पिछले 3 साल में बिजली के रेट्स डबल हो गए हैं। पिछले 3 साल में बिजली के रेट दुगने होने से और इन्फ्लेशन हाई होने से आम आदमी की कमर टूट गई है और लोग खर्चे मैनेज नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान एंड काउंटिंग ने 8 इकदाम आइडेंटिफाई किए हैं जिनसे बिल 54 रुपए पर यूनिट से कम होकर 32 रुपए 65 पर यूनिट पर आ सकता है, यानी 21 रुपए 35 पैसे की सेविंग। वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। मेरा नाम जुनेद इकबाल है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आर एनर्जी सीरीज। पाकिस्तान में बिजली की डिमांड गिर रही है क्योंकि पिछले 3 साल में बिजली के रेट्स डबल हो गए हैं और दूसरी तरफ सोलर के सस्ते होने की वजह से हज़ारों मेगावाट्स के सोलर पैनल्स इम्पोर्ट हुए हैं। और आप जानते हैं कि जितनी ग्रिड की डिमांड गिरेगी एक्सेस कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से, उतनी ही बिजली महंगी हो जाएगी। अगर हुकूमत चाहती है कि बिजली की डिमांड को रिवाइव करे तो उसको फौरन बिजली के रेट्स को कम करना होगा। पाकिस्तान एंड काउंटिंग ने 8 इकदाम आइडेंटिफाई किए हैं जिनसे बिल 54 रुपए पर यूनिट से कम होकर 32 रुपए 65 पर यूनिट पर आ सकता है, यानी 21 रुपए 35 पैसे की सेविंग। जानना चाहते हैं कैसे, आए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। हुकूमत 8 इकदाम करके बिजली की कीमत को 21 रुपए से सस्ता कर सकती है। ये इकदाम क्या है, इस पर 1 मिनट में आते हैं। पिछले 3 साल में बिजली के रेट दुगने होने से और इन्फ्लेशन हाई होने से आम आदमी की कमर टूट गई है और लोग खर्चे मैनेज नहीं कर पा रहे। इस सिचुएशन से निपटने के लिए दुनिया भर में अर्न वेज एक्सेस की तरफ रुझान बढ़ रहा है। अभी पाकिस्तान का पहला फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म है जो अर्न वेज एक्सेस फराहम करता है, जिसके जरिए मुलाजमीन अपनी रोज की कमाई हुई तनख्वाह ऐप या SMS के जरिए जब चाहें सिर्फ 30 सेकंड में हासिल कर सकते हैं। मसलन अगर आपकी तनख्वाह 50,000 रुपए की है और आज महीने की 15 तारीख है, तो आप आज तक कमाई हुई सैलरी यानी 25,000 रुपए अभी ऐप के जरिए निकाल सकते हैं। टू लर्न मोर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को जरूर क्लिक करें। थैंक यू अभी फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान एंड काउंटिंग। एंड नाउ कमिंग बैक, वो कौन से 8 इकदाम हैं जिनके जरिए बिजली 54 रुपए से कम होकर 32 रुपए 40 पैसे की हो सकती है। पहला इकदाम, सेल्स टैक्स का रिमूवल। पिछले साल हुकूमत ने 18% के रेट पर बिजली के बिल से 450 बिलियन रुपए सेल्स टैक्स की मद में कलेक्ट किया। ये बात हम अपनी टैक्स वाली वीडियो में समझा चुके हैं कि सेल्स टैक्स रिग्रेसिव होता है। जो जितना गरीब होता है सेल्स टैक्स उसकी आमदनी का उतना ही ज्यादा हिस्सा होता है। सेल्स टैक्स को बिजली के बिल से हटाया जा सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पूछेगी कि ये 450 बिलियन की बजट शॉर्टफॉल कैसे पूरी होगी। अव्वल तो ज़रात और रिटेल अपना फेयर टैक्स अदा नहीं करें, आप वहाँ से कलेक्ट करें, लेकिन इन द मीन वाइल जब अगली दफ़ा इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस गिरें तो आप कुछ अरसे तक पेट्रोल की कीमत को ना कम करें। अगर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 15 रुपए पर लीटर ज़्यादा कलेक्ट होते हैं तो ये 450 बिलियन का गैप पूरा हो जाता है। ईदर वेज एज एन इकोनॉमी हमने इम्पोर्टेड पेट्रोल की कंजम्पशन को डिस्करेज करना है और पावर डिमांड को बढ़ाना है। अगर हम ये कर लें तो फेडरल बजट के लिए ये न्यूट्रल इम्पैक्ट होगा, लेकिन बिजली के बिल में से 5 रुपए 40 पैसे पर यूनिट की कमी आ जाएगी और नई प्राइस आ जाएगी 48 रुपए 60 पैसे पर। दूसरा इकदाम, रिमूवल ऑफ इनकम टैक्स। पिछले साल बिजली के बिलों से 70 अरब रुपए का इनकम टैक्स कलेक्ट किया गया। अगेन FBR का काम है कि जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उनको पकड़ के वसूलियाँ करें, बजाय इसके कि बिजली के बिल के जरिए इनकम टैक्स को कलेक्ट किया जाए। इस रिमूवल से 70 पैसे पर यूनिट की कमी आ सकती है, नई प्राइस 47 रुपए 90 पैसे। तीसरी मूव, सर्कुलर डेट की रीफाइनेंसिंग। हमारी टोटल सर्कुलर डेट 2.7 ट्रिलियन की है और इसमें से जो इंटरेस्ट बेयरिंग डेट है वो 1.8 ट्रिलियन की है। पिछले साल हमने इस पर 400 बिलियन रुपए का मार्कअप अदा किया क्योंकि उस वक्त इंटरेस्ट रेट्स हाई थे। अब इंटरेस्ट रेट्स गिर गए हैं तो तकरीबन 250 से 300 अरब तक का मार्कअप मुतवक्के है। हमारे बिल में इस मार्कअप की वजह से 3 रुपए 32 पैसे पर यूनिट का डेट सर्विसिंग सरचार्ज लग कर आता है। तो पहले तो सब्सिडी देना या बिल कलेक्ट ना करना ये सब हुकूमत के फैसले हैं, तो इसका बोझ सारिफ पर क्यों। खैर, यहाँ अपॉर्चुनिटी है कि इस डेट को रीस्ट्रक्चर किया जाए।
इस वक्त इंटरेस्ट रेट्स रफली 14% के करीब हैं इस डेट पर, लेकिन इस वक्त हुकूमत अगर 10 साल का बॉन्ड इशू करे तो इसी डेट को रीफाइनेंस किया जा सकता है एट अबाउट 7%, और इससे मार्कअप में तकरीबन 125 अरब रुपए की कमी आ सकती है, विच मीन्स कि हमारे बिल में तकरीबन 1.5 रुपये पर यूनिट की कमी हो सकती है। नई प्राइस 46 रुपये 40 पैसे पर यूनिट। चौथी अपॉर्चुनिटी है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ये 509 बिलियन रुपए के लॉसेस, यानी तकरीबन 5 रुपए पर यूनिट, सिस्टम की खराबी, अदम अदायगी और चोरी की वजह से हैं। तो ये बिल देने वाले सार्फिन की जिम्मेदारी कैसे हो गई? ये फेडरल हुकूमत का एक फिस्कल डिसीजन है और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस लॉस को प्रोविंसेस के NFC में से डिडक्ट करना चाहिए और उन्हें फोर्स करें कि वो अपने खर्चों को कम करें। इस एग्जाम से बिजली के बिल में 5 रुपए की कमी आ सकती है। नई प्राइस 41 रुपए 40 पैसे पर यूनिट। नंबर 5, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सीपैक एंड गवर्नमेंट डेट। गवर्नमेंट की टोटल पावर सेक्टर डेट 16 बिलियन डॉलर की है, जिसमें से 8 बिलियन डॉलर न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए लिए गए और 8 बिलियन डॉलर सीपैक प्लांट्स के लिए। अब ये वाली जो डेट है ये लाइबोर से, जो लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट होता है, उससे बेंचमार्क्ड है, जो कि इस वक्त 5% पे है। हमें इसे शाइबोर, जो शंघाई का बेस इंटरेस्ट रेट है, उस पर स्विच करना पड़ेगा, और येन बेस फाइनेंसिंग पर अगर हम ट्रांसफ़र करें तो उसका बेस रेट 1.75% होता है। और इसकी साथ साथ जो टोटल डेट की मेजोरिटी है, अगर इसको 5 साल से मज़ीद एक्सटेंड कर दिया जाए तो टोटल 4 रुपये पर यूनिट की सेविंग हो सकती है। नई प्राइस 37 रुपये 40 पैसे। नंबर 6, IPP कॉन्ट्रैक्ट्स की रीस्ट्रक्चरिंग। ये एक आइडियल मूव नहीं है और हम अपनी कैपेसिटी पेमेंट वाली वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि क्योंकि हम अपने सॉवरेन मुआहदों को रीनिगोशिएट करने से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, पर फिलहाल गोली जो है वो चेंबर से निकल चुकी है और ये नेगोशिएशंस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, जिसमें फिक्स्ड ONM चार्जेस को चेंज कर एक्चुअल ONM चार्जेस पर लाया जा रहा है और डॉलर इंडेक्सेशन को शायद रिमूव करके रुपी इंडेक्सेशन पर लाया जाएगा। इससे भी मज़ीद 1.5 रुपये की सेविंग होगी। नई प्राइस 35 रुपये 90 पैसे। पहले 6 इकदाम जो हमने बताए वो फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग पर मबनी है। द गुड थिंग इज कि अगर फैसला हो जाए तो इन तमाम फैसलों को 3 से 6 महीनों में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ऑफकोर्स इनके पोलिटिकल या इंटरनल प्रेशर्स को बेयर करना होगा और हुकूमत का यही तो काम होता है। अगले 2 इकदाम टेक्निकल हैं, जिनमें कुछ वक्त भी लगेगा और कुछ सरमाया भी। नंबर 7 है फ्यूल कन्वर्जन। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि 3 मेजर इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट, जो तकरीबन 4000 मेगावाट प्रोड्यूस करते हैं, इनको लोकल कोल पर कन्वर्ट किया जाए। इससे इन प्लांट्स की जो एनर्जी कॉस्ट है वो 7 रुपये से गिर कर 4.5 रुपये पर आ सकती है, एंड इसमें एक वन टाइम 480 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी टू ग्रो द साइज ऑफ द थर माइन, बट वंस दैट इज डन इससे तकरीबन 1.25 रुपये की कमी आ सकती है इन आर टैरिफ। नई प्राइस 34 रुपये 65 पैसे। और 8वां इकदाम, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि साउथ में जो 10,000 मेगावाट जनरेट होते हैं उसकी मार्जिनल कॉस्ट 16 रुपये है और नॉर्थ के इंक्रीमेंटल जनरेशन की मार्जिनल कॉस्ट 35 रुपये, लेकिन ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट ना होने की वजह से हम सिर्फ साउथ की 55% कैपेसिटी नॉर्थ पूरी तरह से पहुंचा पा रहे हैं। इसको फिक्स करने पर 2 रुपये पर यूनिट की सेविंग हो सकती है एंड नई प्राइस आ जाती है 32 रुपये 65 पैसे। इन इकदाम को फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो हम अपनी डिमांड को वापस बढ़ा सकते हैं, पाकिस्तान के पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इलेक्ट्रिफाई किया जा सकता है और कुकिंग और हीटिंग को इलेक्ट्रिफाई करके रेजिडेंशियल डिमांड को भी बढ़ाया जा सकता है। हमारी अगली वीडियो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाउस होल्ड्स के हवाले से। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़। और जाते हुए एक सवाल, इन इकदाम में से आप किन से अग्री करते हैं और किन से डिसएग्री करते हैं? जवाब कमेंट्स में ज़रूर दें और पाकिस्तान एंड काउंटिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।